ये लो हमारी शादी का कार्ड। घर वाले फाइनली मान गए? हाँ मान गए। यार तुम लोग कितने लकी हो, भगवान करे तुम लोगों को किसी की नजर ना लगे। हेलो हेलो, हाँ बोल नीलू। तू मुझे बोलता है ना तुझे खाना बनाना नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता। 15 दिन बाद शादी है पता है ना। सुन मैं तेरी फेवरेट कचौरियाँ बना रही हूँ। अच्छा खाना बनाना सीख रही हो अभी? हाँ। अच्छा तो मैं आ जाऊँ खाने? नीलू, नीलू किधर है? वो ठीक तो है ना? मुझे उससे मिलना है प्लीज। वो 3 दिन से रूम से बाहर नहीं आई है, वो किसी से नहीं मिलना चाहती, उसका एक साइड का पूरा फेस खराब हो गया। पूछो ना उससे, मुझे एक बार उससे मिलना है। नीलू आने दो उसे। प्लीज एक बार फेस तो दिखाओ तुम्हारा। तुम रो मत, शादी तो हमारी होकर ही रहेगी। लो दवाई लो। रहमान वो आज भी नहीं आया, वो इतने दिनों से फोन भी नहीं उठा रहा। भाई कुछ काम में होगा। डोरबेल बजी, शायद रहमान हो। रहमान मेरी शादी का कार्ड। हमारी? सॉरी बट घर वाले नहीं माने। अरे सॉरी, लाओ मैं। अरे मेरा पूरा सामान। आप टेंशन में लग रहे हो। वो एक्चुअली मेरे शादी को 1 साल हो गया है और शादी के दूसरे दिन ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उनके दोनों पैर चले गए। आपने तो मुझे मेरा पास्ट याद दिला दिया। एक्चुअली मेरे साथ भी 1 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था, पर थैंक्स टू माय हस्बैंड, उन्होंने, वो डॉक्टर है। क्या आपके पति डॉक्टर है? हाँ। तो फिर आप तो मेरी बहुत मदद कर सकती हो। मैं यहीं पे रूम नंबर 206 में रुकी हूँ, आप प्लीज अपने पति को लेके आ जाए, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू। अरे मैं आपका इंतजार कर रही थी। ये मेरे हस्बैंड। आइए ना, मेरे पति अंदर है। वो मैंने आपसे कहा था ना, मेरी एक दोस्त है, उसके हस्बैंड डॉक्टर है, ये वही है और ये मेरे पति है। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। तुम और ये सब तुम्हें पता है, जब तुम मुझे छोड़ के गए थे ना, तब मैं सोचती थी कि मैं दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की हूँ, पर थैंक्स टू माय हस्बैंड, उन्होंने मेरा साथ भी दिया और मेरा चेहरा भी ठीक किया। अच्छा वो मेरी शादी तुमसे नहीं हुई, क्योंकि आज मुझे पता चल गया कि ऊपर वाला जो भी करता है ना, वो अच्छे के लिए ही करता है। नीलम चलें।